सियाना बच्चा। इस कहानी विच एक बच्चे दी सियाणप उस दी बहादुरी बारे दसिया गया है। प्रितपाल जिस नु अगवा करके ले जांदे हन कि वे उन्हां नु चकमा दे के ओहो अपनी सियाणप दा सबूत दिंदा है। इस कहानी तो होरना बच्चियां नु भी प्रेरणा लेनी चाहिदी है। शाम दा वेला सी, प्रितपाल स्कूल तो क्रिकेट दा मैच खेड के घर आया ता ओहो बहुत थकिया होया सी। उस दी मम्मी ने उस दे हाथ विच पानी दा गिलास फड़ाउंदिया बड़े ही प्यार नाल पुछिया, पीतू की गल, बड़ा थकिया होया लग रिया है। हाँ मम्मी, तुसी ठीक कह रहे हो, मैच खेड के मैं बहुत थक गया हाँ, बहुत थकावट महसूस हो रही है। पीतू बेटे, ताड़े मैच ता की बनया, जित गए की? प्रितपाल अपनी मम्मी दी गल पूरी होन तो पहला ही बोल पिया। मम्मी, असी बहुत शानदार जित हासिल कीती है, तुसी फटाफट रोटी ले आओ, बड़ी भूख लगी है। उसी मम्मी ने कहा, बेटे रोटी सब्जी अजे बनानी है, चाह पत्ती भी खत्म होई पई है, नहीं ता तेनू चाह ही बना दिंदी ते तू कुछ बिस्कुट ही खा लेंदा। प्रितपाल अपनी मम्मी कोलो पैसे लेके घर दे नेड़े वाली दुकान तो चाह दी पत्ती ते लाल मिर्चा लैण चला गया। जदों ओ घरों निकलिया ही सी ता उस दा दोस्त पाल मिल गया। ओह दोवें दुकान ते जाके चीजां खरीद लियाए। पाल अपने घर चला गया ते प्रितपाल अपने घर वाल तुर पिया। अचानक ही बिजली चली गयी, सारे पासे घुप हनेरा छा गया। किसी ने हनेरे दा फायदा उठा के प्रितपाल दी नक ते रुमाल रख दिता। प्रितपाल बेहोश हो गया। कुछ देर बाद प्रितपाल नू होश आई ता उसने अपने आप नू एक रिक्शा विच बैठे वेखिया। एक आदमी रिक्शा चला रहा सी ते दो बंदे उसनू बाहां तो पकड़ के बैठे सन। प्रितपाल ने उन्हां नू महसूस नहीं होण दिता कि उसनू होश आ चुकी है। वो अपने आप नू बचाउण लई मौके दी भाल करन लगा। कुछ देर बाद एक बंदे ने उसनू बेहोश समझ के उस दी बांह छड़ दिती। प्रितपाल नू कुछ भी समझ नहीं आ रहा सी कि ओह बंदे कौन सन ते उसनू इस तरह पकड़ के क्यों ते किथे ले जा रहे सन। उसने हौसला कीता ते पूरे जोर नाल दोवां नू धक्का दे दिता ते अपनी जेब विचों फुर्ती नाल लाल मिर्चा वाला लिफाफा कढ़िया ते उन्हां दोहां दियां अखां विच मिर्चा पा के दौड़ गया। अखां विच मिर्चा पैण करके ओ बंदे तड़फण लगे। रिक्शा वाला उन्हां नू भजा के लै गया। थोड़ी दूरी ते चौक विच पुलिस वाले खड़े सन। प्रितपाल ने हाफते हुए सारी गल उन्हां पुलिस वालियां नू दसी। उन्हां ने कहा, बेटे तू घबरा ना, तैनू कुछ अंदाजा है कि ओ किधर गए होणगे? जी हाँ, मैं उन्हां नू पिछले चौक दी नाल दी सड़क वल जांदे वेख्या सी। मैं उन्हां दी अखां विच मिर्चा पाईयां सन, ओ जरूर किसे टूटी ते अखां तोरे होणगे। पुलिस वालियां ने उस नू अपने स्कूटर ते बिठाया ते उन्हां नू लब्भण चले गए। थोड़ी ही दूर जाण ते ओही बंदे बाहर सड़क ते ही मुंह तोंदे होए टूटी ते नजर आ गए ते पकड़े गए। उन्हां ने उन्हां नू थाने लियांदा ते SHO साहब नू सारी जानकारी दित्ती। SHO ने प्रितपाल कोलों उस दे घर बारे जानकारी लेके उस दे डैडी नू थाने ही बुला लिया ते कहा कि ओह अपने बेटे नू एथों आके ले जान। प्रितपाल दे मम्मी डैडी घबरा के थाने पहुंचे। ओथे उन्हां ने प्रितपाल नू बैठे देखिया। उस दी मम्मी ने उस नू गले लगाउंदिया कहा, पीतू मेरे बच्चे, तू एथे किवें आया? इस तो पहला कि पीतू कुछ बोलदा, थानेदार ने सारी गल उन्हां नू दस दित्ती कि किवें उसने अपनी सूझबूझ नाल मिर्चां दा इस्तेमाल करके अगवाकारां तों अपने आप नू बचाया ते दोषियां नू फड़ाउण विच वी मदद कीती। पीतू दी मम्मी ने कहा, सर असी बहुत परेशान सां, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੋ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੀਤੂ ਵਾਂਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।